मैं साक्षी, एमएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल ने राहुल गांधी को दी गाली। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, मैंने फिर भारी मन से मैं बोल रहा हूँ, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो लिखा। सतपाल मंच से कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लिखी एक टिप्पणी पढ़ते हैं जिसमें राहुल को गाली दी गई थी। हालांकि सत्ती के मुताबिक वीडियो को गलत ढंग से शेयर किया गया है। गोरखपुर में गठबंधन उम्मीदवार रामभुआल निषाद के खिलाफ बीजेपी ने रवि किशन को उतारा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के लिए सूची जारी कर दी है जिसके तहत गोरखपुर में रवि किशन गठबंधन उम्मीदवार रामभुआल निषाद और अम्बेडकर नगर में मुकुट बिहारी गठबंधन उम्मीदवार उम्मेद निशान फूलन देवी के पति के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी ने संत कबीर नगर से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। राहुल गांधी जितना नीचे गिरते हैं हम उतना ऊपर उठते हैं। अरुण जेटली। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गलत इस्तेमाल करने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राजनीति प्रोपेगेंडा के अदालती आदेश का इस्तेमाल कर राहुल बहुत नीचे गिर गए हैं। उन्होंने लिखा, वह जितना नीचे गिरते हैं हम उतना ऊपर उठते हैं। उन्होंने उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब झूठ। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।